हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स भी पढ़ लिए, ठीक है। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ते हैं, फैक्टर्स एंड मल्टीपल, ठीक है। फैक्टर्स और मल्टीपल क्या होते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, इफ ए इक्वल टू बी इंटू सी, अगर ए इक्वल टू बी इंटू सी दिया हुआ है, देन बी एंड सी आर द फैक्टर्स ऑफ ए, एंड A is the multiple, of B and C, ठीक है। If A equal to B into C, then B and C are the factors of A, and A is the multiple of B and C for every A comma B comma C belongs to n, ठीक है। n is a positive natural number, ठीक है, ओके। मतलब natural number a b c belongs to natural number। तो जैसे इसका example हम लोग लेते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग ये भी कह सकते हैं, जैसे a b c belongs to n यानी कि natural number, यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि a b c are पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। चलिए जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 12 इक्वल टू 4 इंटू 3, ठीक है। तो 4 एंड 3 आर द फैक्टर्स ऑफ 12, ठीक है। अब देखिए, फैक्टर्स ऑफ 12, हम ये कह सकते हैं कि अगर हम 4 से 12 में डिवाइड करें, 4 का अगर हम डिवीजन 12 में करें, तो 4 थ्री जा 12, यहाँ पे रिमाइंडर आपका आ गया 0, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि 12 इज डिविजिबल बाय 4, 12 इज डिविजिबल बाय 4। सिमिलरली अगर हम 3 से डिवाइड करें 12 में, तो 3 4 जा 12, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया 0, एंड क्वेश्चन क्या आ गया आपका 4। तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि 12 इज डिविजिबल बाय 3, 12 इज डिविजिबल बाय 3। देखिए, कोई संख्या किसी संख्या से पूरी तरह से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम डिवीजन करते हैं तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0, और क्वेश्चन क्या आना चाहिए आपका इंटीजर, ठीक है। अब इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि 10th क्लास में हम लोगों ने यूक्लिड डिवीजन लीमा पढ़ा था, ठीक है, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। अगर p कोई डिवाइजर है जो कि n में डिवाइड करते हैं, ठीक है, p डिवाइजर है और n में डिवीजन करते हैं, Q इज ए क्वेश्चंट, यहाँ पे आपका आ जाएगा पी क्यू, इसको हम लेस करते हैं तो आता है आपका रिमाइंडर, यानी कि n माइनस पी क्यू इक्वल टू आर, ठीक है। इसको हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं, जैसे हम 2 का डिवीजन करते हैं 9 में, 2 का अगर हम भाग करते हैं 9 में, तो 2 4 जा 8, ठीक, यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे माइनस करते हैं
वन क्या हो गया आपका रिमाइंडर और फोर क्या हो गया आपका क्वेश्चेंट। अगर वन यहाँ पे नहीं आए, यहाँ पे रिमाइंडर जीरो आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि डिविडेंड डिवाइजर से पूरी तरह से डिविजिबल है। क्यू होता है आपका क्वेश्चेंट, एन होता है आपका डिविडेंड, पी होता है आपका डिवाइजर एंड आर इज द रिमाइंडर। इस इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि एन इक्वल टू पी क्यू प्लस आर, इसे हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। यहां पे आप ध्यान रखो, P ऑलवेज ग्रेटर देन R, क्योंकि डिवाइजर कभी भी रिमाइंडर से छोटा नहीं हो सकता, या रिमाइंडर डिवाइजर से हमेशा छोटा ही रहेगा। ठीक है, रिमाइंडर जो होगा हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा, और जो डिवाइजर है वो हमेशा रिमाइंडर से बड़ा ही रहेगा, इक्वल भी नहीं हो सकता, मतलब बराबर भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इफ R इक्वल टू जीरो, अगर रिमाइंडर जीरो हो जाए, अगर रिमाइंडर जीरो हो जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि n इज डिविजिबल बाय p, यानी कि डिविडेंड इज ऑलवेज डिविजिबल बाय p, यानी कि डिवाइजर। ठीक है, कब? जब R आपका जीरो होगा। क्लियर, यहाँ पे जैसे चार से आपने 12 में डिवाइड किया, रिमाइंडर जीरो आया, और क्वेश्चन क्या आ गया आपका इंटीजर। इसके लिए ये भी ध्यान रखिएगा कि Q इज ए पॉजिटिव इंटीजर्स। समझ आ गया, ये बिल्कुल क्लियर हो गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि 12 का फैक्टर 4 और 3 है, और इस कंडीशन में जब n इज डिविजिबल बाय p, जब आपका n इज डिविजिबल बाय p, तो इसका मतलब हो गया कि p इज ए फैक्टर ऑफ n। क्लियर, ठीक है, यहाँ पे n कोई नंबर है, और ये जो n लिखा हुआ है ये यहाँ पे नेचुरल नंबर है। चलिए, क्लियर हो गया। मतलब ये कह सकते हैं कि फैक्टर जो होगा किसी संख्या का, किसी नंबर का फैक्टर, उस नंबर को पूरी तरह से डिवाइड करेगा, मीन्स रिमाइंडर जीरो आएगा जब फैक्टर का डिवाइड हम नंबर में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमने लिया 12 इक्वल टू 4 इंटू 3, तो अगर हम 4 से 12 में डिवाइड करें तो 4 3 जा 12, रिमाइंडर आ गया 0, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 4 इज ए फैक्टर ऑफ 12। ठीक है, सिमिलरली अगर 3 का डिवाइड करते हैं 12 में तो 3 4 जा 12, रिमाइंडर आ गया 0, और देखिए क्वेश्चन आपका पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम यहां पे कह सकते हैं कि 3 इज ए फैक्टर ऑफ 12। क्लियर, इसका मतलब फैक्टर की डेफिनेशन क्या होगी? फैक्टर की डेफिनेशन ये हुई कि फैक्टर हमेशा नंबर को डिवाइड करेगा कंप्लीटली। क्लियर, फैक्टर हमेशा नंबर को डिवाइड करेगा, जैसे 4 12 का फैक्टर है, 3 भी 12 का फैक्टर है। क्लियर, चलिए ओके। अब मल्टीपल क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे 12 इक्वल टू 4 इंटू 3 लिखा था, ठीक है, 4 और 3 12 के फैक्टर हो गए, तो 12 यानी कि 12 जो है, 12 इज ए मल्टीपल ऑफ 4 और 3 और 4 एंड 3, ठीक है, 4 और 3 के मल्टीपल 12 है, 4 और 3 का मल्टीपल 12 है। यहाँ पे मल्टीपल का मतलब ये हो जाएगा कि अगर हमें किसी संख्या का मल्टीपल निकालना है
तो उस संख्या से अगर हम मल्टीपल में डिवीजन करते हैं तो मल्टीपल पूरी तरह से डिवाइड होना चाहिए। ओके, अब इसी का एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जरा ध्यान से देखने। जैसे 6 है, अगर हम फैक्टर लिखना चाहें किसी के तो कैसे लिखेंगे? 6 जैसे लेते हैं, 6 के फैक्टर क्या होंगे? फैक्टर वो जो कि संख्या को पूरी तरह से डिवाइड करें, यानी 1 से अगर हम 6 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। 1 का डिवीजन करते हैं 6 में, 1 6 जा 6, रिमाइंडर आपके आ गया 0। फिर 2 भी 6 का फैक्टर है, क्योंकि अगर 2 से 6 में डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0 आया और कोशेंट आपका इंटीजर आया। ठीक है, उसके बाद 3 भी 6 का डिवाइजर है, यानी कि फैक्टर है, डिवाइजर कहेंगे। ठीक है, डिवाइजर ही आपका फैक्टर होगा जब डिवाइजर डिविडेंड को पूरी तरह से डिवाइड करेगा। ठीक है, 3 2 जा 6, रिमाइंडर आपका आ गया 0। क्लियर, तो 3 भी आपका फैक्टर हो गया और 6 भी आपका 6 का फैक्टर होगा, 6 बन जा 6, रिमाइंडर आया 0 और क्वेश्चन है आपका 1, जो कि पॉजिटिव इंटीजर है। समझ में आ गया, यानी कि संख्या जो होगी यानी नंबर खुद का फैक्टर होती है। ओके, अब देखिए, यानी हमने 6 के यहाँ पे फैक्टर लिख लिए। ठीक, इसका मतलब ये हो गया कि इस पॉइंट से ये क्लियर है कि जो फैक्टर होगा वो हमेशा नंबर से, या सॉरी, फैक्टर जो होगा हमेशा नंबर से छोटा होगा, फैक्टर जो होगा हमेशा नंबर से छोटा होगा या बराबर होगा। समझ में आ गया। अब आते हैं, अगर हमें 6 के मल्टीपल लिखने हैं, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 6, तो पहले 6 में इंटू 1 कर देते हैं, 6 में फिर 2 कर देते हैं मल्टीप्लाई, 6 में 1 का मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, 6 में 2 का मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, 6 में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 18 आ गया, 6 में 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 24 आ गया। इसी तरह से 4 का मल्टीप्लाई किया, 5 का करेंगे, 6 का करेंगे, इसी तरह से 6 का मल्टीपल आते जाएंगे, तो मल्टीपल ऑफ 6 आपका बना 6 का मल्टीपल निकाल लें तो 6 तो होगा ही उसके पास, क्योंकि 6 1 जा 6 है, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 डैश डैश डैश। ठीक है, तो इस तरह से, लेकिन जो मल्टीपल्स होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, तो मल्टीपल जो होंगे हमेशा इनफाइनाइट होंगे, नंबर ऑफ मल्टीपल्स किसी भी संख्या के, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के अगर हम मल्टीपल्स निकालते हैं, नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ फाइनाइट पॉजिटिव नंबर, फाइनाइट पॉजिटिव नंबर विल बी इनफाइनाइट, किसी भी निश्चित पॉजिटिव नंबर का नंबर ऑफ मल्टीपल्स यानी कि मल्टीपल्स की संख्या इनफाइनाइट होगी। जिस तरह से यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो डैश 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 इनफाइनाइट तक जाएगा, 6 12 18 24 30 डैश 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 इनफाइनाइट। क्लियर, अब इस लाइन से क्या क्लियर है कि जो मल्टीपल्स होंगे वो हमेशा संख्या से यानी कि नंबर से बड़े होंगे या इक्वल होगा। ठीक है, यानी नंबर हमेशा छोटी होगी, अगर हमें नंबर के मल्टीपल्स चाहिए तो मल्टीपल्स जो होगा वो नंबर से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा। तो ये एक इक्वेशन आपकी बनी, दिस यानी कि फैक्टर्स जो होगा हमेशा नंबर से छोटा होगा या बराबर होगा, और जो मल्टीपल होगा वो नंबर से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। क्लियर, अब जैसे इसका एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, 12। जैसे हम लोग लेते हैं इसका 12 के अगर फैक्टर और मल्टीपल लिखना चाहें तो क्या होगा? फैक्टर्स
ऑफ 12। तो 12 में कौन सी ऐसी संख्या है जो 12 में डिवाइड करें तो इंटीजर आए, क्वेश्चेंट इंटीजर आए और रिमाइंडर जीरो आए। जैसे 1 तो सभी का फैक्टर होता है, ठीक है। फिर 2 से अगर हम 12 में डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। मीन्स जैसे 2 का डिवाइड आपने 12 में किया, 2 6 12, यहाँ पे रिमाइंडर जीरो आया और ये आपका क्वेश्चेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चेंट आपका इंटीजर आना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए और रिमाइंडर आपका जीरो आना चाहिए। तो हम कह सकते हैं जो डिवाइजर है इज ए फैक्टर ऑफ नंबर, यानी कि डिविडेंड। तो 1 2 से भी 12 पूरी तरह से कट जाएगा, 3 4 6 एंड 12, ठीक है। जैसे अगर हम 6 4 का डिवाइड करते हैं 12 में, तो 4 3 12, ओके। अब हम लेते हैं मल्टीपल्स ऑफ 12, मल्टीपल ऑफ 12 का मतलब 12 into 1 यानी कि 12, 12 into 2 यानी कि 24, 12 into 3 36, 12 into 4 48, 12 into 5 60 और डैश, ये इनफाइनाइट, ठीक। तो किसी भी, अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हैं, फाइनाइट है, ठीक है। इसमें एक पॉइंट और आपका निकल के आता है, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ फाइनाइट नंबर्स विल बी फाइनाइट, ठीक है। और एक पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ फाइनाइट नंबर्स विल बी इनफाइनाइट, ठीक है। आगे समझ में, ठीक। तो ये हो गया आपका फैक्टर्स और मल्टीपल। अगर किसी संख्या का फैक्टर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, किसी संख्या का मल्टीपल लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, क्लियर। अब चलिए देखते हैं, कल लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो कुछ क्वेश्चन किए थे जिसमें आई की पावर थी, ठीक है। अगर हम उन क्वेश्चन को एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आई की पावर 1 3 4 8, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम लोगों ने एक बात की थी, आई की वैल्यू थी आपकी √-1, आई स्क्वायर आपका हो गया -1 और आई की पावर 4 क्या हो गया आपका +1, ठीक। फिर आई की पावर 4m = 1, आई की पावर 4m + 1 = i, आई की पावर 4m + 2 = -1 और आई की पावर 4m + 3 = -i। तो जब कोई बड़ी पावर आती है तो हमने उसमें क्या किया था, 4 का डिवीज़न किया था, ठीक है। लेकिन हम पूरी संख्या में 4 का डिवीज़न नहीं कर रहे थे, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट्स में अगर हम 4 का डिवाइड करते हैं तो उस पूरी संख्या की डिविजिबिलिटी चेक हो जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम 48 में 4 का डिवीज़न करते हैं, 4 1 4 हो गया 8, 4 2 8, देखिए रिमाइंडर 0 आया। जब रिमाइंडर 0 आया तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 1, क्योंकि जब रिमाइंडर 0 आता है तो वैल्यू 1, रिमाइंडर 1 आएगा तो हम इसको डायरेक्ट आई लिख देंगे, रिमाइंडर 2 आ जाए तो इसको आई स्क्वायर लिख देंगे, = i² = i^1 = i^3, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करना है, जैसे i की पावर आपको दे दिया जाए 23982, तो इसमें आप पूरी संख्या, जो पूरी पावर है ये, इसमें आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट की 2 डिजिट में आप 4 का डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जब 82 में अगर हम 4 का डिवीज़न करते हैं, 4 2 8 2 0, तो रिमाइंडर आपका आ गया 2, तो जो रिमाइंडर आएगा वही आप डायरेक्ट
आई की पावर में लगा देंगे और वही उसकी वैल्यू हो जाएगी, यानी कि आई स्क्वायर बराबर माइनस वन। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, आई की पावर 5833, ठीक है, तो पूरी संख्या में भाग करने की ज़रूरत नहीं है, पूरी संख्या में डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, लास्ट टू डिजिट में आप डिवाइड करेंगे, चार का 33 आ रहा है, ठीक है, 48 जा 32, रिमाइंडर आपका 1 आ गया, तो यही जो रिमाइंडर निकला है इसको आप आई की पावर में लगा दो, यानी आई की पावर 1, यानी इसकी वैल्यू आई। क्लियर। जैसे क्वेश्चन और करते हैं, 28294, ठीक है, 28294, जब हमें इसकी वैल्यू निकालनी होगी तो लास्ट टू डिजिट में डिवाइड करेंगे, 4 का डिवीजन हम 94 में करेंगे, 4 2 8 1 14, 4 3 12, ठीक है, 2, रिमाइंडर आपका आ गया 2, जब ये आपका रिमाइंडर आ गया तो यही आई की पावर में लगा देंगे, डायरेक्ट आई स्क्वायर हो जाएगा और इसकी वैल्यू माइनस 1 हो जाएगी। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने आई की वैल्यू फाइंड आउट की थी। ठीक है, और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इवन इंटीजर्स, इवन नंबर्स या ऑड नंबर्स, ये दोनों भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, तो एक बार इनको भी देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, इवन नंबर्स क्या थी, इवन नंबर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था कि द नंबर्स डिविजिबल बाय टू, द नंबर डिविजिबल बाय टू। ठीक, एक तो हमने डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि इवन नंबर दो से डिविजिबल होगी, फिर हम लोगों ने पढ़ा था द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर, लास्ट डिजिट ऑफ नंबर 0 2 4 6 8, यानी किसी भी नंबर्स का, किसी भी नंबर का अगर लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 होता है तो वो इवन नंबर होगी। या हम ये भी कह सकते हैं, टू इज ए फैक्टर ऑफ इवन नंबर। ठीक है, इसका और इसका सेम पॉइंट है, टू इज ए फैक्टर ऑफ इवन नंबर, यानी कि इवन नंबर टू से डिविजिबल होगी। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर रहे थे, टू एन से। ठीक है, इवन नंबर्स को हम लोग टू एन से रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स। क्लियर। चलिए अब आते हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर के बारे में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय टू। जो नंबर होगी अगर दो से डिविजिबल नहीं है तो वो ऑड नंबर होगी। ठीक है, एंड द लास्ट डिजिट ऑफ नंबर 1 3 5 7 एंड 9, अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट 1 हो या 3 हो या 5 हो या 7 हो या 9 हो तो वो ऑड नंबर होगी। एंड 2 इज नॉट फैक्टर ऑफ ऑड नंबर। 2 जो होगा वो ऑड नंबर का फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, और ऑड नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कर रहे थे, 2n+1 और 2n-1, वेयर n बिलोंग्स टू आई। ओके, अब देखिए, जैसे इवन नंबर का हमें एग्जांपल लेना है तो 8392, ये एक इवन नंबर है क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 2 है, और अगर ऑड नंबर का एग्जांपल लेना है तो 7597, ठीक है, इसका लास्ट डिजिट 7 है इसलिए ये एक ऑड नंबर है। तो आगे सच में इवन नंबर्स, ऑड नंबर, और अगर आई की पावर बहुत बड़ी है तो उसकी वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जरा, आई का जरा बताएंगे, आई की पावर 5 8 3 9 7, इसकी वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे देखिए 97 है लास्ट टू डिजिट, 97 में अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 2 8 1 एंड 17, 4 4 16, तो रिमाइंडर आपका आ गया
1। तो इसको हम डायरेक्ट i की पावर 1 यानी कि i लिख देंगे, यही इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो जो रिमाइंडर आएगा लास्ट टू डिजिट में 4 से डिवाइड करने पर, उसको हम i की पावर में लगा देंगे डायरेक्ट, इससे हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। समझ में आ गया? तो आज आपका हो गया इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स और i की वैल्यू निकाल सकते थे हम लोग, ठीक है, एंड फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ठीक है, फैक्टर और मल्टीपल्स इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ओके।